प्रत्याहार का सही ज्ञान से शत्वा का नाश होता है, ये महर्षि घिरण उसका घिरण संहिता में बोला है। ओम, मैं आपका दोस्त विनय, एज ए गवर्नमेंट सर्टिफाइड योग टीचर, और मेरा जो चैनल वननेस ऑफ योर बॉडी माइंड सोल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूं, वो है पत्ताहार। तो पत्ताहार देखिए, जो महर्षि पतंजलि का हिसाब से उसका जो अष्टांग योग, हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप बात कर रहा हूं, अष्टांग योग का चार ठो लेयर का हम लोग बात कर लिया, यम नियम आसना प्राणायाम और पत्ताहार। तो पत्ताहार बहुत ही बढ़िया चीज है, जो आपको जानने से मेरा मानना है आपका दैनंदिन जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मैं ये वीडियो का लास्ट में एक एक्टिविटी बताने वाला हूं, जो दैनंदिन जीवन में ऐसे कुछ आपका परेशानी हो रहा है जो करने के बाद आपको उसका रास्ता निकाल पाएंगे आराम से। मैं करके देखा हूं इसलिए बोल पा रहा हूं, तो जरूर सुनिएगा। तो चलिए, महर्षि पतंजलि के हिसाब से पत्ताहार को पहले देख लेता हूं। महर्षि पतंजलि ने बोल रहा है, हम लोग का जो देखिए शरीर में जो इंफॉर्मेशन जाता है और मन उसमें चंचल हो जाता है, कोई भी जैसे आपको कोई भी चीज देख लिया आंखों से तो उसमें मन चंचल हो गया, कोई भी चीज ऐसे सुन लिया उसमें मन चंचल हो गया, तो जो हम लोग का ज्ञानेंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय, चक्षु कर्णो नासिका जिह्वा और त्वचा, उससे हम लोग का जो इंफॉर्मेशन शरीर के अंदर आता है और मन चंचल हो जाता है, उसको वश में कर लेना, उसको अंतर्मुखी कर लेना पत्ताहार है। तो उसके साथ साथ हम लोग भगवत गीता में देखेंगे, भगवत गीता में पत्ताहार के बारे में जो चीज बताया है वो है हम लोग का पूरा शरीर को रथ बताया गया है, और उसका जो लगाम होता है रथ में जो लगाम होता है उसका मन, और जो अश्व घोड़ा जो है, जो पांच तो घोड़ा के साथ तुलना किया गया हम लोग का पंच इंद्रिय को, जो बहुत बहिर्मुखी होता है, जो बाहर भाग रहा है हमेशा, तो उसको खींच के आपका मन से उसको कंट्रोल कर लेना, और जो आपका रथ का अंदर जो बैठा है वो है रथी, वो हो गया आत्मा। तो ये हिसाब से बताया गया है, तो मेन जो होता है मन को आपको कंट्रोल में कर लेना, और मन का द्वारा आपका जो पंच जो इंद्रिय है उसको वश में कर लेना, वो होता है आपका पत्ताहार। इसके साथ साथ हम लोग अभी महर्षि घिरण का जो बातें से शुरू किया था उसका बारे में बात कर लेता हूं। महर्षि घिरण ने इधर देखिए कितना बढ़िया बात बोल रहा है, मतलब पत्ताहार का सही नॉलेज से सत्व का नाश हो जाता है। कितना बढ़िया बात, देखिए आपका जितना सत्व है मन से आपको लग रहा है उसका नाश हो जाएगा, ये जान जाएंगे, ये कर पाएंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो ये करने के लिए आपको एक अभी एक्टिविटी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, तो एकदम ध्यान पूर्वक सुनिएगा एक्टिविटी क्या है। ये एक्टिविटी है, दो मिनट पूरा एकदम ध्यान लगा दीजिए मेरे साथ, आप कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ, एकदम कनेक्ट हो जाइए, दूसरा इधर उधर पूरा ध्यान नहीं जाएगा मेरे साथ, एकदम बातों को एक एक चीज को आप सुनते रहिए। क्या करना है इसके लिए, पहले आप रात को जब सोने के लिए जा रहे, रात को जब सोने के लिए जा रहे उस टाइम बिस्तर में लेटते हुए आप पूरा दिन भर में जो जो आप किए हैं उसको एक बार फिल्म को चालू कर लीजिए, मतलब देख लीजिए बंद आंखों से एक बार उसको आप देख लीजिए। तो क्या होगा, जैसे आप उसको देख लेंगे तो उसमें देखिए कौन जगह में क्या रिएक्ट किए, कैसे आपका बिहेवियर था, कैसे आप रिस्पॉन्ड किए, वो करना क्या जरूरी था। एक दो ठो केस में आप सोचिए, जैसे एग्जाम्पल की तरफ से आप आपका मिसेस के साथ ऐसे कुछ बातचीत किया, ऐसे क्या करना चाहिए था, आपका बच्चा के साथ जो एक्ट किया वो क्या करना चाहिए था, हो सकता है आप वर्क एनवायरमेंट में कोई ऐसे कुछ आपको बोल दिया, ऐसा टाइप का रिएक्ट भी है वो क्या करना चाहिए था। वो जैसे आप दिमाग में आपका घूमते रहेगा, उसमें देखिए धीरे धीरे आप कुछ दिन, मेरा कहने से आप मिनिमम 21 डेज कर लीजिए, देखिए आपको लगेगा दिन के दौरान कोई भी आप जब रिएक्शन दे रहे हैं कोई भी बातों को, तो आपका तुरंत तो दिमाग में आ जाएगा रात को मेरे को एक्टिविटी करना है और उसमें मेरे को सुधार करने का बात था, तो तुरंत ऑटोमेटिक आपका सुधार आ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया होता है, तो कितना बढ़िया चीज होता है, मतलब वही चीज इधर महर्षि घिरण ने बोल रहा है, जो आपका जितना सत्व है मन से शरीर से जितना आपका सत्व है उसका नाश होता है। तो आराम से उस चीज को
आप समझ जाएंगे और एक्टिविटी को करेंगे तो मेरा मानना है जरूर आपको लाभ मिलेगा। और कैसे लाभ मिल रहा है मेरा ये वीडियो का नीचे जो कमेंट है उसमें आप शेयर कीजिए, तो मेरे को लग रहा है ये वीडियो से जरूर मैं आपका जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बड़ा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए जरूर नीचे बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए।